हेलो एवरीवन। तो यार आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पे हम अपना एक रेगुलर टीचिंग पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगाने वाला वो कंटेंट नहीं मैं बना रहा हूँ या वो कंटेंट नहीं डाल रहा आप लोगों के आगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, आप लोगों को लाइफ चेंजिंग तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा बट लाइफ को एक बहुत बड़ा अलग पर्सपेक्टिव देगी, एक नजरिया देगी आपको लाइफ देखने का, लाइफ में अपने रास्ते चुनने का और उस रास्ते में अपने मेंटोर्स ढूंढने का। मेंटोर्स यानी कि हिंदी में, सरल हिंदी में गुरु। गुरु की जो आपकी जिंदगी में जगह होती है ना, मतलब देखो मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। ये जो हम बचपन से कबीर के दोहे, ये जो बातें सुनते आ रहे थे ना, जो हमें क्रिंज सी लगती है आज की डेट में, आउटडेटेड लगती है, पता है जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, जिंदगी में आगे बढ़ते हो, आपको रियलाइज होता है यार ये सारी जो क्रिंज बातें थी, ये जो सारी बेकार की बातें हमें बचपन से लगती थी, हम सुनते आ रहे थे, वो रियलिटी है। लाइफ में ना एक गुरु कहते हैं ना, गुरु का भगवान से भी ऊपर दर्जा होता है, वो बात सच है। कैसे होता है मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मेरी स्टोरी है, इस स्टोरी से आपको बहुत पर्सपेक्टिव मिलेगा हर चीज के बारे में और आप कैसे अपनी लाइफ एक एग्जाम्पल शायद हो, आप सीख सकते हो और लीड कर सकते हो। तो यार मेरी स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई थी, आप में से बहुत लोग जानते भी हो मेरी स्टोरी को पर इस नजरिए से नहीं जानते जो मैं बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई थी, स्कूल में थे, बहुत ज्यादा मैं 12th क्लास तक बहुत अंडर कॉन्फिडेंट एक बच्चा था, कुछ नहीं उखाड़ा था मैंने जिंदगी में अपनी, 50% भाई साहब मैंने जिंदगी में भी स्कोर नहीं करे थे अपने, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे पुरानी क्लासेस हो, मैंने 50% से आज तक टच भी नहीं किया यार। मेरा बेस्ट स्कोर उस टाइम तक 49 point something था, जो मेरा 11th में आ गया था। मैंने आज तक इतना स्कोर अकेडमिकली कुछ भी नहीं किया था, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं किए थे, कोई लाइफ में कोई चीज नहीं आती थी ढंग की करनी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जमीन में घुसा हुआ था, कोई दोस्त नहीं थे, कोई भी आके मजे ले जाता था, कोई भी आके मजाक उड़ा जाता था, लाइफ ऐसी थी बिल्कुल बेकार, मतलब कुछ नहीं उखाड़ा था उस टाइम तक अपनी जिंदगी में मैंने, और कुछ उम्मीद भी नहीं थी उखाड़ पाऊंगा। दोस्तों के नाम पे एक दो दोस्त थे, हालांकि वो एक दो ऐसे थे वो हजारों से भी ऊपर है, अभी उनके बारे में थोड़ा एंड तक आते आते आपको पता चलेगा। तो कुछ इस तरीके की जिंदगी थी मेरी। लाइफ में ना सबसे बड़ा जो चेंज आया, वो जो सबसे बड़ी होप दिखी मुझे, जो आज जिसने मुझे आज लाके खड़ा किया है यहाँ पे, मतलब ये जो टाइटल आपने देखा ना, मिलियन डॉलर कंपनी जो मैंने खड़ी करी है, ठीक है ये तो सिर्फ आप लोगों को यहाँ वीडियो पे लाने के लिए थंबनेल क्लिक बेटी टाइटल था, बट मैंने लाइफ में बहुत चीजें अर्न करी हैं उससे भी बड़ी। तो उस सबको जो स्टार्ट किया ना, वो एक गुरु ने ही करा था मेरे। लक्ष्मण सर मेरे को मिले, इकोनॉमिक्स के टीचर थे क्लास 12th की, हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में, गांधीनगर में, दिल्ली में पढ़ाते थे वो, आज भी पढ़ाते, तुम्हारा सौभाग्य है अगर तुम्हें मौका मिले, तुम वहां रहते हो आसपास के इलाकों में और तुम उनसे पढ़ सको, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा वो। तो वो मुझे मिले, उन्होंने एक, मेरे को आज भी दिन याद है, उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुझसे कहा, प्रिंस तो 90% अबव स्कोर करेगा, तो इकोनॉमिक्स में 90 अबव लेके आएगा। मैंने कहा सर क्या बेकार की बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, मेरी जिंदगी में 50 से ऊपर नहीं आए, आप छोड़ो, आपको खामा खा की उम्मीद में से लगा रहे हो, उम्मीद टूटे नहीं आपकी। उन्होंने हंस के बाद टाल दी ये बात। उन्होंने ना ये चीज कैसे जज करी थी, मैं जिस तरीके के आंसर्स देता था, जिस तरीके की बातें करता था क्लास में, या जिस तरीके के मैं उनके आगे आंसर शीट ला के रखी थी, ऑल्दो मेरे उस आंसर शीट में प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली हुए थे उस टाइम, मेरे शायद 40s में ही थे, पर उन्होंने देख के ये चीज बोली थी। पर उन्होंने जब ये चीज बोली ना, और जब उन्होंने मुझे एक घंटे एक दिन बस ऐसे बैठ के उन्होंने मुझे काउंसिल किया, उन्होंने मेरे अंदर ना एक उम्मीद जगा दी कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है मैं कुछ अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। ऑल्दो कभी नहीं सोचा था SRCC पहुंचेंगे, कभी नहीं सोचा था ऑल इंडिया रैंक होल्डर बनूंगा मैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ब्लाइंड स्टूडेंट्स जिन्हें हम कहते हैं पार्शली ब्लाइंड, उस कैटेगरी में कभी ये सब चीजें सोची भी नहीं थी। पर उस टाइम ना बस एक उम्मीद जग गई थी, उस टाइम एक होप आ गई थी कि यार कोई इंसान मेरे पे ट्रस्ट करता है, और उसने मुझे कहा हो सकता है तो शायद हो सकता है। मैं इकोनॉमिक्स बहुत ढंग से पढ़ा, फिर मेरे को अरुण सर मिले, मेरे को अंजू मैम मिली, अरुण सर मेरे मैथमेटिक्स के टीचर थे, अंजू मैम मेरी इंग्लिश की टीचर थी, सब मेरे सारे टीचर्स को पता था कि मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ सकता,
लक्ष्मण सर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, पर मेरे लिए वो कई चीजें कॉपीज पे पढ़ाते थे, मेरे लिए वो मेरे लिए सबसे आगे सीट लगवाते थे। अंजू मैम भी यही करती थी, हमारे अरुण सर भी मेरे यही करते थे। मेरे लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया क्योंकि उन्हें मेरे से उम्मीद थी। और मैं तुम्हें उस टाइम, मैं तुम्हें भगवान कसम खा के चीज बताता हूँ, उस टाइम मैं जब ट्वेल्थ में पढ़ता था ना, मेरा सिर्फ एक मोटिव था। तुम लोगों का होगा मोटिव एसआरसीसी पहुंचना, सुखदेव पहुंचना, ये करना वो करना, तुम लोगों को हो गया अलग अलग मोटिव। मेरा सिर्फ उस टाइम एक मोटिव था, मेरे टीचर्स ने मेरे ऊपर पूरी मेहनत करी है, मेरे टीचर्स ने मेरे पे विश्वास दिखाया है। मैं अपने टीचर्स के लिए, अपने गुरु के लिए, मेरे जो इतने सारे गुरु हैं तीन, उनके लिए मेहनत करूंगा, उनके लिए नंबर लेके आऊंगा। मैं उस टाइम सिर्फ इस मोटिव से पढ़ता था और मेरा कोई मोटिव नहीं था, सोचा भी नहीं था यार एक 50% बच्चा जिसके हाथ तक जिंदगी में नहीं आए वो डीयू भी पहुंचेगा। मेरे को पता, मैं मेरा लिटरली एसआरसीसी में एडमिशन हो गया था, मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। मेरे घर वाले पूछ रहे एसआरसीसी में एडमिशन हो गया, एक्साइटेड क्यों नहीं है? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं एसआरसीसी क्या है, मेरे को पता ही नहीं क्या, इतना अच्छा कॉलेज है। मेरा लिटरली एसआरसीसी में एडमिशन होने के बाद ये रिएक्शन था, इतने खुश क्यों हो रहे हो, मुझे पता ही नहीं ये इतना अच्छा कॉलेज है, इसमें मेरा एडमिशन हो गया जो तुम इतने खुश हो रहे हो। तो काइंड ऑफ मेरा ये हालत थी उस टाइम। तो यार क्या कहते हैं, मतलब ऐसा हुआ, मैं पढ़ा सिर्फ उनकी मोटिवेशन से पढ़ा। और एक चीज मैं बता दूं तुम्हें, कभी ना लाइफ में ये मत सोचना कि गुरु से आप गुस्सा खा के कुछ जिंदगी में कर सीख पाओगे, या आपको आप किसी को गुरु मानने लगे हो, किसी को आप एक अपने लिए एक हायर फिगर, एक मोटिवेशनल फिगर मानने लगे हो और वो आपको मेंटर नहीं कर रहे तो आप उन पे गुस्सा हो जाओ, आप भड़क जाओ उन पे। कुछ नहीं होता ऐसे, आप एक गुरु को कभी जबरदस्ती अपना गुरु नहीं बना सकते। आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है, आपको उनके आगे 100 बार झुकना पड़ता है, आपको उन्हें दिखाना होता है कि आपका जो ज्ञान है मेरे गुरु, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो विद्या है, वो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप जो बताओगे मैं उस तरीके से करूंगा। ऐसे आपको जिंदगी में गुरु मिलते हैं। तो उन गुरुओं की मोटिवेशन से, वहां की एक आग से लाइफ बहुत बड़ा टर्न लिया। मेरे ट्वेल्थ में परसेंटेज तगड़ी आई, एसआरसीसी में एडमिशन हुआ। एसआरसीसी में एडमिशन होने के बाद मैंने 1 साल 6 महीने वहां काटे, पर मैं खुश नहीं था जिंदगी में बिल्कुल भी। अब यहाँ पे आते हैं मेरे सबसे बड़े अगले गुरु, स्टीव जॉब्स। ऑल्दो आप लोगों को एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो मेरा इस वीडियो का शायद बहुत बड़ा क्रक्स है तुम लोगों के लिए। जरूरी नहीं है आपका जो गुरु हो, जो आप अपने गुरु ढूंढो, वो आपके आसपास ही हो, वो आपके आसपास ही बसते हो। आप अपने गुरु उनको भी बना सकते हो जो अपनी फील्ड में सबसे बड़े इंसान है। मैं उस टाइम बहुत बड़ा फॉलोअर था स्टीव जॉब्स का, मतलब आज भी हूं, ठीक है। मैं ऑल्दो मैं कभी मिला नहीं, हमारे जैसा इंसान मिल भी नहीं सकता, और अब तो वो गुजर भी चुके हैं, पर मुझे उनकी स्टोरी पता थी। मैंने उनके उनसे रिलेटेड हर बुक पढ़ रखी थी उस टाइम। जॉब्स करके एक मूवी है एश्टन कचर की, 2014 या 15 की रिलीज मूवी है। मैंने वो मूवी, तुम मुझसे पूछोगे ना मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा कौन सी मूवी देखी है, मैंने वो मूवी देखी 8-9 बार देख चुका हूं। मैं वो मूवी शायद ज्यादा देख चुका हूं, मिनिमम बता रहा हूं, मैं 8-9 बार मूवी देख चुका हूं। हर बार उस मूवी से कुछ नया सीखता हूं, हर बार उस मूवी को देख के आई एम काइंड ऑफ इन टीयर्स। तो मैं उस टाइम इतना ज्यादा इंस्पायर्ड था, मेरे को लाइफ में कुछ पता नहीं चल रहा था क्या करना है। तो मैंने क्या किया, स्टीव जॉब्स ने एक बात बोली थी हमेशा, वो सबसे बड़े, उन्होंने ही ये कन्वर्सेशन इनफैक्ट वर्ल्ड में स्टार्ट करी थी, पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुमने अगर मेरी पिछले साल वाली वीडियोस देखी हो, मेरे पीछे एक स्टीव जॉब्स का फोल्डर भी लगा हुआ था, और उस फोल्डर पे भी यही, उस पोस्टर पे भी यही लिखा था, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, एसआरसीसी में सिर्फ फेम के लिए आ गया कि भैया अच्छा नाम है, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, हर कोई इज्जत देगा, पर मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरा बचपन से एक पैशन था जो दुनिया को पता था, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, ये सब मेरे पैशन थे। स्टीव जॉब्स को अपना गुरु मान के, उनकी बात बार बार सुन के, उनकी मूवी बार बार देख के, उनकी स्पीच बार बार सुन के, उनकी सिर्फ एक स्पीच है स्टैनफोर्ड की, वो उनके स्टैनफोर्ड के चैनल पे अपलोडेड है, सिर्फ एक स्पीच है उनके पब्लिक, और कोई स्पीच नहीं है उनके पब्लिक। तो वो मैंने स्पीच सुनी और मैंने उनसे इंस्पायर होकर डिसीजन लिया, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एसआरसीसी छोड़ दिया, और जिस चीज में मैं पैशन ढूंढता था, कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग, उसके लिए मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में चला गया। बहुत लोगों ने कहा अबे एसआरसीसी छोड़ रहा है, अबे ये क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में आग मच गई थी, मेरे को पूरी दुनिया से क्रिटिसिज्म मिला था। पर मेरे मन में एक मेरा बस इतना मानना था, जब कोई वर्ल्ड का एक फिगर, जो वर्ल्ड की सबसे लीडिंग फिगर है, अगर वो बात कह रहा है तो उसकी बात पे मैं विश्वास करूंगा, या आसपास इन लोगों की बात पे विश्वास करूंगा जिन्होंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं है। मैंने उनकी बात पे भरोसा रखा। याद रखना, अगर जिंदगी में गुरु बनाते हो, मैंने पहले बताया उनकी इज्जत करना बहुत जरूरी है, उनको ये दिखाना बहुत जरूरी है कि मैं आपकी नॉलेज सुनना चाहता हूँ,
पर उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने गुरु में फेथ रखना, उनकी बोली हुई बात पे विश्वास रखना। ठीक है, तो मैंने कुछ उनकी बात पे विश्वास रखा और मैंने एसएससी छोड़ के मैं सुखदेव चला गया। अब सुखदेव में गया, मेरे को एक और अपना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से भी बड़ा पैशन मिला, टीचिंग। मैं खान अकेडमी, तुम्हें पता भी नहीं होगा शायद, सलमान खान करके हैं वो, इंडिया वाले, बॉलीवुड वाले नहीं, मैं फॉलो भी नहीं करता उन्हें। सलमान खान है खान अकेडमी के फाउंडर, उनकी मैं उस टाइम बहुत सारी वीडियोस देखता था, मैथ्स की, साइंस की, अलग अलग वीडियोस में देखता था मैं। लिटरली उनसे मैंने पूरी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोबारा पढ़ी, क्योंकि वो एक अलग ही नजरिए से, अलग ही बेसिक्स के साथ पढ़ाते थे, मेरे को मजा आ गया था उनसे पढ़ के। सलमान खान तुम में से जिनको नहीं पता, वो इंसान है जिन्होंने एक्चुअल में ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करी है, वर्ल्ड के सबसे पहले वो टीचर थे जिन्होंने पहला पढ़ाना चालू किया है, उनकी इतनी बड़ी लेगेसी है। तो मैं उनसे इतना इंस्पायर हुआ, मेरे को, मेरे दिमाग में खुरक उठ गई, मैं पढ़ाऊंगा, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाना चालू कर दिया, मैंने होम ट्यूशन भी लेना चालू कर दिया। पर एक अपॉर्चुनिटी मिली एक दिन कि मेरे को खान सर से मिलने का, सलमान खान से मिलने का मौका मिला। मैं वहां उनसे मिला, मेरे को इंटर्नशिप मिली खान अकेडमी में, मैंने वहां इंटर्नशिप करी, मुझे मोटिवेशन मिली कि यार ये ऑफलाइन एजुकेशन कुछ नहीं है। मैं उस टाइम 10-12 हजार रुपए महीने के कमा रहा था, एक कॉलेज के बच्चे के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैंने वो सारी इनकम कूड़े में डाली, मैंने सब ट्यूशनें खत्म कर दी, मैंने यूट्यूब पे अपनी पढ़ाना चालू किया। यूट्यूब पे मैंने पढ़ाना चालू किया और उस यूट्यूब पे जब मैंने पढ़ाना चालू किया, लाइफ पूरी बदल गई, एकदम से नहीं बदली, बहुत साल लगे, पर जो खान सर ने मुझे मोटिवेशन दी। मजे की बात में तो मैं बताऊं, प्रिंस अकेडमी की आज की भी डेट में पता है ऑफिशियल ईमेल आईडी क्या है, princeakademy@gmail.com। जो प्रिंस अकेडमी के बीच में के है ना, वो खान सर को डेडिकेटेड है, सलमान खान को डेडिकेटेड है। तो मैंने यूट्यूब चालू किया, फिर वो यूट्यूब चला बहुत साल चला, ग्रेजुएशन खत्म हो गई, मैं प्लेसमेंट सेल का हेड था, फिर भी मेरे को कोई ढंग की जॉब नहीं मिली। लाइफ में सारी मोटिवेशन खत्म हो गई थी कि इतना कुछ करा, अच्छी अच्छी तगड़ी प्लेसमेंट्स लगाई अपने खुद के बैचमेट्स की, इतनी बड़ी टीम बनाई और मेरी खुद की ही प्लेसमेंट्स इतनी ज्यादा बेकार हुई, मैं काफी ज्यादा, मतलब मैं काफी डिप्रेशन में था काइंड ऑफ। फिर मैंने सब छोड़ दिया, मैंने कहा ये भी छोड़ो, मैंने लिटरली डेलॉइट में मेरी जॉब लग गई थी, डेलॉइट जैसे ब्रांड को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं अपने ऊपर भरोसा था मैं कुछ बेटर डिजर्व करता हूँ। मैंने वो छोड़ा, मैंने एमबीए की प्रिपरेशन, कैट की प्रिपरेशन चालू करी और उस प्रिपरेशन में मुझे मिले संदीप सर, जो आज आपके क्वांट्स के टीचर है। उन्होंने मेरा क्वांट्स में कॉन्फिडेंस बनाया, उन्होंने मेरे को इस लेवल पे पुश कर दिया कि मेरी परसेंट आई लाई और मेरा सारे आईआईएम्स में एडमिशन हो गया अहमदाबाद बैंगलोर को छोड़ के। वो भी हुआ। फिर मेरा यूट्यूब पे भाई साहब, मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, क्योंकि मैंने संदीप सर से पढ़ा, मैंने जो हमारे इंग्लिश की फैकल्टीज थी वो भी बहुत अच्छे थे, पारिक सर थे, एलआरडीए के हमारे फैकल्टी थे, उनसे मैंने सीखा। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाना चालू किया एंट्रेंसेस के लिए, एक मेरे को ऑर्गेनाइजेशन भी मिली, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसकी उसमें मेरे को एक इनिशियल पुश दिया और फिर वो सब हमने चालू किया। यूट्यूब पे बहुत अच्छा स्कोप मिला काइंड ऑफ। मैं जब मेरा आई एम कैलकटा में एडमिशन हो चुका था, मैंने आई एम कैलकटा को छोड़ दिया और फिर मैंने कहा छोड़ो, यूट्यूब पे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे मुझे उम्मीद है। ऑल दो मैंने जब उस साल यूट्यूब पे बिल्कुल बहुत ही कम कमाया था, कुछ भी नहीं कमाया था, बट मैंने फिर भी छोड़ दिया अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, स्टीव जॉब्स की कहीं ना कहीं अपने पुराने गुरु की बात सुनते हुए कि भैया जो पसंद है दिल को वो करो। आई एम कैलकटा फाइनेंस का कैंपस है, मेरे बस की नहीं है फाइनेंस करना, मैं नहीं कर सकता। मैंने छोड़ दिया और यूट्यूब पे कंटिन्यू किया। आज की डेट में यूट्यूब का जो हमारा चैनल है, प्रिंस अकेडमी का जो ब्रांड है, ये जो अम्ब्रेला है, ऑल्दो ऐसा नहीं है मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट अगर मैं प्रिंस अकेडमी के ब्रांड को सेल करने जाऊं किसी बड़े प्लेयर को या किसी भी एक्स वाई जेड इंसान को, तो मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकते हैं, इजीली मिल सकते हैं, ऑफर्स तक आ चुके हैं। तो ये चीज बनी किसलिए बनी, याद रखना कोई इंसान अपनी लाइफ में अकेला नहीं ग्रो करता, उसके गुरु होते हैं। मैं यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचने के बाद मेरे को सबसे बड़ी चीज रियलाइज हुई, पैसा तो चलो यार इतना कमाया कि हाँ अपना खर्चा मैं आराम से निकाल सकता हूँ, वैसे भी मेरे खर्चा बहुत ही कम है, मेरे को किसी भी चीज का शौक नहीं है, महंगे कपड़े, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, कुछ चीज किसी चीज का शौक नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज का शौक है, खाना पीना। ठीक है, तो अगर तुम कभी मेरे से मिलो, कभी तुम अपने घर का कुछ स्पेशल खाना लाना चाहो, वो मेरे लिए हमेशा इन है, वो हमेशा मैं खुले दिल से उसका स्वागत करूंगा, उसके अलावा मेरे को और कुछ नहीं पसंद जिंदगी में। तो भाई
लाइफ के स्टेज पे पहुंचे, मैं स्टेज पे पहुंचते ही मुझे एक चीज रियलाइज हो गई कि भैया पैसा तो कुछ भी नहीं था, मैं बचपन से इतनी गरीबी में बड़ा हुआ हूँ, आज पैसा कमा लिया मेरे को तो सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं मिला। फिर मेरे गुरु आए सदगुरु और रणवीर अलाहाबादिया। रणवीर अलाहाबादिया बहुत पॉडकास्ट देखे सदगुरु की, मैं ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देख चुका हूँ। ये रिसेंट की बातें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई लाइफ की, हैप्पीनेस, मनी से बियॉन्ड कितनी सारी चीजें हैं। शायद आप में से बहुत लोग ना समझ पाओ, क्योंकि होता क्या है जब हम बहुत गरीबी में होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, हम सिर्फ पैसा देखते हैं, हमें कहीं ना कहीं भूख होती है पैसा कमाने जिंदगी में। तो ये चीज तभी रियलाइज होती है, चीज तभी पता चल पाती है जब हम कमा लेते हैं और जब हमारे पास हमारी लाइफ भरपूर हो जाता है, तो फिर आपको पता चलता है नहीं यार पैसा बहुत छोटी सी चीज है, लोगों को सर्विस करना बहुत बड़ी चीज है, वो हैप्पीनेस वहीं से मिलती है। जो लोग तुमसे जुड़े उनको अपने आप को उनके लिए डेडिकेट करना वो सबसे बड़ी चीज है। ये एक बहुत अलग डायमेंशन है। अगर तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में कहोगे मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी चलेगी यार, ऐसी वीडियोस नहीं होती हैं, बट स्टिल मेरे को इच्छा थी तुम लोगों से ऐसी कुछ बात करने की, इसलिए मैंने करी। तो कुछ वो अलग डायमेंशन थी, सदगुरु और रणवीर अलाहाबादी ने मेरे को लाइफ के बिल्कुल अलग फेस पे ला के आज की डेट में खड़ा कर दिया है, जैसे एक जमाने में स्टीव जॉब्स ने, गैरी वेनरचक ने, इन्होंने ला के खड़ा किया था। तो बस यार मैं तुम्हें ये स्टोरी बताना चाहता था, और इस स्टोरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये तो मेरे नॉर्मल गुरु, ये तो मेरे गुरु थे, नॉर्मल तो खैर मैं उनकी तोहिन सी हो जाएगी, बट ये मेरे गुरु थे। इनसे सबसे बड़ा गुरु मेरे थे मेरे दोस्त, बहुत दोस्त कमाए जिंदगी में। स्कूल में चाहे मैं अकेला था, पर सुखदेव में जाते मैंने बहुत बड़े सर्कल बनाया, और दोस्त ऐसे नहीं कमाए, आज दोस्त हैं कल चले गए, 10-10 साल पुराने, 12-12 साल पुराने, 5-6-7 साल पुराने मेरे दोस्त हैं, और वो हर सुख दुख के साथ ही हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे सबसे बड़े गुरु शायद मेरे दोस्त ही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे हर सही गलत में मुझे बताया कि ये तेरी गलती है, ये तू सही कर रहा है, अपनी गलतियों पे काम कर। मेरे को हर दोस्त ने मुझे ये चीज सिखाई। तो गुरु जो होता है वो हर जगह है, गुरु जो होता है आप अपने किसी मेंटोर को बनाते हो, गुरु आपके कोई ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जिससे आप मिले भी नहीं हो पर वो आपको पूरी जिंदगी के लिए सिखा दे कुछ। गुरु आपके आपके दोस्त भी हो सकते हैं, शायद दोस्त सबसे ज्यादा दिल से जुड़े हुए बनने वाले गुरु। तो बस यार मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था इस वीडियो के थ्रू आज। आप अपने गुरु को ढूंढिए, आप अपने गुरु से सीखिए, उन पर फेथ रखिए, और लाइफ में आप जरूर कुछ ना कुछ बड़ा कर पाए। तो आज की सभा को यहीं दरखास्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी, और जितना शेयर कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय।